जब धनुष धनुष यहाँ पर रखा था जी जी ये जब धनुष को रखा तो पत्थर धनुष की तरह पिघलता गया, धनुष का आकार बनता गया। इसको इसको नजर करिएगा थोड़ा, जो अभी अभी मुझे बताया गया यहाँ पर श्री राम भगवान जी ने अपना धनुष रखा था, भगवान ने बनाया, प्राकृत बनाया, ये भगवान ने रचना की है इसकी, तो फिर ब्रह्मा जी ने की होगी ताकि कुदरती है, बड़ी अच्छी ऐसी कुदरत इसमें नहीं है। क्या बात है, चट्टाने देखिएगा, चट्टाने देखो कैसा यहाँ पानी आ रहा है, आश्चर्यचकित। और ये पुरुषोत्तम जी ये बताइएगा, गीली हर एक चट्टान है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, रिस नहीं रहा, ये कमाल है। ऐसे में चाहूंगा कैमरा, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है कोई भी दृश्य उससे छूटे ना, कैमरा चारों तरफ ऊपर से लेके नीचे तक जाए और इस गुफा का हर एक दृश्य ऑडियंस तक पहुंचे, ऑडियंस देखे और जाने कितनी कमाल की ये गुफा है। अब ये बताइए छोटू जी, ये क्या कट से दिख रहे हैं, क्या ये काटे गए, नेचुरल है? नहीं नेचुरल है सर, प्राकृतिक है जी जी, प्राकृतिक है वो, तो उसमें हर हमेशा पानी रहता है। हमारे बाबा और पिताजी इनके लोगों को पुरखों के जमाने से नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम चित्रकूट में हैं और चित्रकूट में गुप्त गोदावरी घूमने आए हैं। हमें गुप्त गोदावरी के बारे में सब कुछ हमारे छोटू द्विवेदी जी बताएंगे और हम लोग चलते हैं अंदर, अंदर गुप्त गोदावरी के रहस्य को जानते हैं। और आप देखें कितनी कमाल की ये चट्टाने हैं जिनसे होते हुए हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा आपको नजर आएगा। छोटू जी बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज में आपका, कुछ बताइएगा हमें इस गुप्त गोदावरी के बारे में। ये 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफा बताई जाती है। ओ 9.5 लाख वर्ष पुरानी जी, क्या बात है। एक रामायण में श्लोक है कि प्रथमन देव ही गिर गुफा राखो रुचिर बनाए और राम कृपा कछुक दिन वास करेंगे। ये राम दरबार। ओ चलते हैं ऊपर, चलते चलते बात होती है। तो राम जी कभी यहाँ रहे होंगे आके? बिल्कुल, यहाँ पर 11.5 वर्ष निवास किए पूरे चित्रकूट में। ये 84 कोस में आता है, एक निर्धारित ये नहीं हम कह सकते कि यहीं पे, पर हर जगह वो निवास किए जी, इसलिए राम दरबार के नाम से इस जगह को जाना जाता है। क्या बात है, तो आपका कहना है ये लगभग 9.5 लाख साल पुरानी ये शिलाएं हैं। और पानी का क्या रहस्य, जो पानी बहता है? ये सर गोदावरी जो आपके त्र्यंबकेश्वर नासिक पंचवटी में है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलने के लिए ये नासिक से विंध्याचल पर्वत को तोड़ती हुई यहाँ पर प्रकट हुई हैं। वही धारा यहाँ पर भगवान श्री राम ने यहाँ पर अपने चरण धुले और माता सीता जी ने उसी जल में स्नान किया है। और यही जल बाहर 100 कदम निकलने के बाद ये वो गुप्त हो जाती है, इसलिए इस धाम का नाम गुप्त गोदावरी के नाम से जन्म। मतलब यहाँ से गोदावरी जी का उद्गम होता है जी, लेकिन एक स्थान पर जाके गुप्त हो जाती है, मतलब पता नहीं चलता कि पानी जा कहाँ रहा है जी। नहीं, यहीं पे प्रकट और यहीं पे गुप्त, इसलिए इस धाम का नाम गुप्त गोदावरी के नाम से जन्म। गोदावरी के नाम से जी। तो राम भगवान यहाँ पर आए और उन्होंने चरण यहाँ पर आके धुले हैं। ये राम दरबार जहाँ बैठ मुनि गण सहित नित्य सिया राम सुजान, सुनाओ कथा इतिहास की आगम निगम पुराण। यहाँ पर वेदों में शास्त्रों में चर्चाएं की भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। ये राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा लेते हैं, जाको जैसी चाकरी ताको तैसा देते हैं। अद्भुत, चलते हम उद्गम स्थल दिखाइएगा जहाँ से गोदावरी जी निकली हैं। और हमारे साथ हमारे रामेश भैया भी हैं जो यहाँ पर पोस्टेड हैं, वर्दीधारी हैं और यहाँ पर विजिट करने आए हैं गुप्त गोदावरी। और हम चलते चल के उद्गम स्थान जो है वो दिखाते हैं। और द्विवेदी जी बहुत कमाल का आप एक्सप्लेन करते हैं, तो सीता मैया ने यहाँ पर आगे स्नान किया था जी सर, सीता कुंड आगे है, सीता कुंड भी आगे बना हुआ है जी जी। और शिलाओं का ये देखिएगा कितना कमाल की ये शिलाएं हैं, अरेंजमेंट कितना कमाल का है जी जी। अद्भुत, जैसे घरों में सपोर्ट होते हैं ऐसे सपोर्ट यहाँ पे भी है। क्या बात है, ये सर सीता कुंड है सामने। अच्छा, ये सीता कुंड है, तो मतलब ये मानना है कि सीता मैया यहाँ आके स्नान किया, स्नान मानना नहीं है, हाई है, है ऐसा। कितना गहराई होगी इस कुंड की? इसकी बहुत गहराई है इसकी यहाँ से। अच्छा जी, तो आज भी जो श्रद्धालु हैं भक्त हैं वो आते होंगे जी, और यहाँ पर स्नान करते होंगे जी। क्या हम भी इस जल को स्पर्श कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं, आपको सिर में आचमन करेंगे, सिर में डालेंगे। अच्छा, ये नदी मनोहर पाप नाशनी माता गुप्त गोदावरी कहलाती है और नासिक पंचवटी से भ्रमण करते हुए यहाँ प्रभु श्री राम से मिलने आती। क्या बात जी, अद्भुत। तो हमारे चित्रकूट में हमारे भगवान श्री राम जी ने 14 साल अपने वनवास के बिताए हैं
और यहाँ पर सीता मैया और श्री राम भगवान आए थे। यहाँ पर श्री राम भगवान जी ने अपने चरण धुले थे और सीता मैया ने यहाँ पर स्नान किया था। इसी वजह से देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर यहाँ की रसधूल लेने, यहाँ के पानी को स्पर्श करने आते हैं। कितने लोग लगभग छोटू जी आते होंगे? लगभग यहाँ पे कम से कम 4,000, 3,500, 2,500 एकदम मिनिमम इतना रहता ही रहता है। अच्छा, मिनिमम एक दिन में इतने लोग आते आते हैं? जी जी जी, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 संडे शनिवार अक्सर 4,000-4,500 रहेगा मेला। अच्छा, नहीं तो मिनिमम 2,000-2,500। ये माता गुप्त गोदावरी का उद्गम स्नान है। इनको धनुष कुंड के नाम से तो यहाँ पर जा सकते हैं अपन? बिल्कुल सर, जाएंगे। ओ, ये देखिए, देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर भी कोई कुंड है, लेकिन हमारे साथ छोटू जी हैं और छोटू जी हमें लेके जाएंगे माँ गुप्त गोदावरी जी के उद्गम स्थल की तरफ। और इन चट्टानों पर आप नजर करिएगा रामेश भैया, क्या लगता है इनको देख के? बहुत ही अद्भुत चट्टानें हैं, बहुत ही अच्छी कटिंग की गई हुई, मान लो ऐसा लगता है कि कृत्रिम तरीकों से काट के बनाया हो पत्थर। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। क्या बात है, मनमोहक हो जाता है यहाँ पे देखकर। बिल्कुल मन मोहित हो जाता है। उदय जी आपके पास आएंगे, आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए आपको क्या खास यहाँ पर लगता है। अच्छा छोटू, ये उद्गम स्थान है? अद्भुत अद्भुत अद्भुत, क्या बात है। और ये बताइए कि ये पर्वत जो है इसकी कितनी ऊंचाई होगी और हम अभी कहाँ स्थित हैं? इसके ऊपर तो कोई रचना ही नहीं है सर। अच्छा, बहुत ही विशाल है। इसके ऊपर गांव है, थर पहाड़ के नाम से जाना जाता है उसको। गांव ऊपर बसा है और हर वो सुविधाएं हैं क्योंकि वो आदिवासी लोग बसती है वहाँ पर। अब तो स्कूल भी बन गया है वहाँ पर, हर चीज है, बोर है, टावर जी, हर चीज है। वो अब सुविधाएं हो गई? जी जी, पानी निकल आता है। जी हाँ, नहीं ऊपर 10 फुट खोदने के बाद पानी निकल आता है। जी नीचे हैंडपंप भी लगे हुए हैं पहाड़ के। ऐसा कुआं है वो, तो उसमें हर हमेशा पानी रहता है। हमारे बाबा और पिताजी इनके लोगों को पुरखों के जमाने से नीचे हम और आप लोग सब दर्शन कर रहे हैं। तो ये भगवान की महिमा यार, ये कमाल है। ये देखिए कि ऊपर जो ऊंचा है, बहुत ऊंचा पर्वत है और उस पर्वत पर भी अगर खोदेंगे तो 10 फुट पर पानी है, ऐसा हमारे छोटू जी का कहना है। और यहाँ सन्यासी जी हैं, आप भी यहीं से बिलोंग करते हैं? हाँ, यहीं से। नाम और बता दीजिए एक बार आप अपना। पुरुषोत्तम पंडित द्विवेदी चौबे को। पुरुषोत्तम पंडित जी। हाँ। तो पंडित जी अभी कितने लोग ऊपर गांव में रहते होंगे? ऊपर बहुत लोग है गाँव में, शायद 500 की आबादी है। 500 की आबादी है वहाँ पर, आदिवासी लोग। आदिवासी स्कूल है। अच्छा, पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ होटलों में खाना बनता है वो लोग वहाँ से लकड़ी काट के और यहाँ वही उनका भोजन है, उसी से उनका पालन पोषण चलता है जी। मतलब और वैसा कोई रोजगार नहीं है उनके पास, क्योंकि पहाड़ से कोई रोजगारी नहीं है, एक वही लकड़ी है बस। तो विडम्बना देखिए, हम कहते हैं हम जितना गहराई में जाएंगे, जितना नीचाई में जाएंगे उतना पानी को पाएंगे, लेकिन यहाँ पर चित्रकूट में जहाँ पर हमारे आराध्य श्री राम भगवान जी 14 साल रहे हैं, वहाँ के पर्वत पर भी 10 फुट खोदने से पानी निकल आता है। तो ऐसा हमारा चित्रकूट धाम है। तो यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश आप आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, तो यहाँ पर चित्रकूट धाम जरूर आइएगा और यहाँ राम भगवान के दर्शन जरूर करिएगा। और कुछ खास है छोटू जी यहाँ पर? इस मंदिर को, ये मंदिर देख लीजिए। अच्छा, इस मंदिर का नीचे देखेंगे तो धनुषाकार है और ऊपर देखेंगे तो धनुषाकार है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम वनवास काल में भगवान राम आए तो एक बार अपना धनुष रखा, धनुष कुंड हो गया। जब धनुष यहाँ पर रखा था? जी जी, जब धनुष को रखा तो पत्थर पिघलता गया, धनुष का आकार बनता। इसको नजर करिएगा थोड़ा, जो अभी अभी मुझे बताया गया है, यहाँ पर श्री राम भगवान जी ने अपना धनुष रखा था, इस वजह से इसे धनुष कुंड कहा गया है। जी जी जी, कमाल है। आकार भी तो राघवेंद्र जी देखिए, बिल्कुल धनुष आकार। इंजीनियर नहीं बना सकते जी, मतलब श्री राम भगवान का धनुष कितना बड़ा रहा होगा? जी जी, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। जी जी, क्या बात है। तो यहाँ पर श्री राम भगवान रहे हैं, 14 साल वनवास यहाँ पर काटा है, उसके बाद रावण का अंत किया था और हम अभी ही दशहरा मना के फुर्सत हुए हैं, अब दीपावली आने वाली है। तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम यहाँ पर 14 साल रहे हैं और 14 साल यहाँ व्यतीत करने के बाद इस पुण्य जगह को उन्होंने और पुण्य बना दिया। और कुछ छोटू जी कहेंगे? जी नो, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ घुमाने? जी जी, चलिए हम आगे चलते हैं, अभी हमारी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है। औदेश जी, आप क्या आपने फील किया यहाँ पर? राघवेंद्र जी, जय जय राघवेंद्र जी। सबसे अद्भुत बात कि जो
अपने हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, ये कोई इंजीनियर राघव जी, देखिए प्रकृति ने जो यहाँ पर छटा बिखेरी है, ये कोई कटिंग, हम इतनी जगह गए हैं, ये ऐसी कटिंग मैंने कभी पत्थरों की नहीं देखी है, खुद भगवान ने बनाया, प्राकृत बनाया, ये भगवान ने रचना की है इसकी, तो फिर ब्रह्मा जी ने की होगी ताकि कुदरती है, बड़ी अच्छी ऐसी कुदरत इसमें नहीं है, क्या बात है, ऐसी चट्टाने देखिएगा, फिर मैंने चट्टाने देखो कैसा यहाँ पानी अब रहा है, आश्चर्यचकित। और ये पुरुषोत्तम जी ये बताइएगा, गीली हर एक चट्टान है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, रिस नहीं रहा, ये कमाल है, यही सब क्या बात है, यही शक्ति है, यही प्रकृति है, यही प्रकृति है, प्रकृति का अद्भुत नजारा यहाँ पर है, कमाल है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बताते हैं, समझने लायक है, मुझे समझ सबके बस का नहीं, लोग भी है, क्या बात, समझ भी नहीं पाएंगे सब लोग, ये आखिर ऐसा संभव कैसे है, कितने सारे लोग आते हैं और पर्वत के इतने नीचे, पहाड़ी के नीचे हम तुम लोग खड़े हैं, और कैसी है गुफा की, कितने आदमी यहाँ आते हैं, लाखों आदमी यहाँ आ जाता है, लाखों आदमी यहाँ खड़े, तो चारों तरफ कैमरा घुमाइएगा, इंसान लोग खड़े हैं, क्या बात है, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ पर गांव बसते हैं, और यहाँ पर लोग बाग आते हैं, नीचे गुफा है, हम तुम लोग घूम रहे हैं, क्या हमारे छोटू जी हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और छोटू जी से और खासियत यहाँ की जानते हैं, अच्छा कूलर भी जगह जगह ये कूलर लगी हुई है छोटू जी, ताकि सफोकेशन ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, जी जी, क्योंकि छोटू जी हम चाहेंगे कुछ क्षण अपन लोग यहाँ ठहरे, यहाँ बैठे और इस संरचना को देखें, कितनी कमाल की संरचना, ऐसा लगता है जो हम हमारे पुराने मंदिर देखते हैं उनके भी कहीं ना कहीं ऐसी आकृतियाँ होती हैं, जी कमाल है, ये बताइए पानी जब ज़्यादा बाढ़ का आता होगा तो कहीं यहाँ भी पानी भरता होगा पूरी जगह, जी अभी बंद थी, बंद थी पिछले हफ्ते पानी जब ज़्यादा था सर, ये गुफा भी बंद थी 12 घंटे, और नीचे वाली तो अभी भी बंद है, कल जो बारिश हुआ तो वो बंद है, नीचे एक और गुफा है, जी उसको बोलते हैं पानी वाली गुफा, अच्छा, और ये है सूखी गुफा सर, जी हाँ, दो गुफाओं का दर्शन है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से पहले इन गुफाओं को निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान ने किया था, इसलिए रामायण में श्लोक आपको बताया मैंने कि प्रथमन देव ही गिर गुफा राखो रुचिर बनाए और राम कृपा कछुक दिन वास करेंगे, इन पत्थरों को देखिएगा, तो ये पानी के कटाव से ऐसे बन गए, कब से आप इन्हें देख रहे हैं? नहीं सर मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, ये टोटल जो इसके निशान है ये बारिश की वजह से, बारिश के वजह से पानी आता है जी, पानी के प्रेशर से ये जी एक कटान महसूस होती है जी। फिर से मैं चाहूंगा कैमरा, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है कोई भी दृश्य उससे छूटे ना, कैमरा चारों तरफ ऊपर से लेके नीचे तक जाए और इस गुफा का हर एक दृश्य ऑडियंस तक पहुंचे, ऑडियंस देखे और जाने कितनी कमाल की ये गुफा है। अब ये बताइए छोटू जी, ये क्या कट से दिख रहे हैं, क्या ये काटे गए, नेचुरल है? नहीं नेचुरल है सर, प्राकृतिक है, जी जी प्राकृतिक है, क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ आप दिखाने वाले थे प्रीतम, आपको क्या नजारा यहाँ पर देखने को मिला, कैसा लगा आपको? तो बड़ा अद्भुत लग रहा है राघवेंद्र जी और छोटू भाई, आप लोगों को मतलब छोटू भाई बड़ा कमाल का एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ माताएं भी हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आई हैं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अब वो देख कर विश्वास हुआ है, पहले वहाँ से बताते थे कि ऐसा भी कुछ है गुप्त गोदावरी, तो मुझे मतलब चाहे किस जगह जाएगा जब देखेगा तब विश्वास होगा, भरोसा होगा, प्रैक्टिकल करेगा, जब प्रैक्टिकल करेगा कोई चीज के बिना प्रैक्टिकल की भरोसा। माता जी आपसे बात करनी है, कहाँ से आई हैं आप? आपसे नहीं, रुक जाइए कोई शांति से, कहाँ से आई हैं आप? जाम खंबालिया से। कहाँ से? जाम खंबालिया से। ये कहाँ, कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में पड़ता है, तो आप लोग गुजरात से आए? गुजरात से। कितने लोग हैं आप लोग? गुजरात से। कितने लोग हैं? 10 लोग, 15 लोग? 10 लोग। 10 लोग हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया आपको, यहाँ पर हमारे देश भर से लोग आते हैं, और देश भर से आकर आप कहाँ से आई हैं? गुजरात से। आप भी गुजरात से आई हैं? साथ हैं। आप 7 लोग हैं? 10 लोग हैं। 10 लोग हैं, साथ में हैं। साथ में। नाम बता दीजिएगा ऑडियंस को एक बार। नैना बेन। नैना बेन जी, तो नैना बेन हमारे साथ हैं जो गुजरात से चलकर आई है, तो हमारे चित्रकूट में गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, जगह जगह से आपको लोग आते मिलेंगे और यहाँ पर श्री राम के दर्शन करते मिलेंगे। चलिए छोटू जी आगे बढ़ते हैं, किसके दर्शन करने आते हैं यहाँ पर? भगवान राम के।
बिल्कुल। तो यहाँ पर चित्रकूट किस लिए जा, आप नाम बताएंगे पहले? चित्रकूट आप अपना नाम बताइए। गोदावरी, कप्तान सिंह पाल। कप्तान सिंह जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? कप्तान जी जालौन जिला से। जालौन जिले से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हमें छोटू जी ने अभी दिखाया राम जी का, वहाँ पर दरबार लगा है, लगता है आप देख के नहीं आए हैं। वो दरबार देख के आए हैं, ये देख के आए हैं। तो फिर आपने कैसे नेगलेक्ट कर दिया जो हमारे चित्रकूट है, हमारे ये स्थान पवित्र स्थान जो है? छोटू जी ज्यादातर किन के लिए जाना जाता है ये एक्सप्लेन करिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की तपोवन स्त्री है सर। एक बार श्री राम जी का नारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये बहुत बहुत सकरे रास्ते हैं जिनसे हम गुजरने वाले हैं और यहाँ पर बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है और एक एक करके सबको निकलने की जरूरत है। और देखिए किस कमाल से यहाँ पर इन चट्टानों को काटा गया है और प्रकृति ने ये काटा है और कमाल की ये गुप्त गोदावरी है जहाँ पर देश भर से सभी श्रद्धालु आते हैं और आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम नीचे चलते हैं और नीचे चलकर किस तरीके से ये गोदावरी बहती है वो सब आपको चलकर दिखाते हैं। हाँ छोटू जी, बहते हुए गोदावरी जी जी यहाँ से बहते हुए निकलती हैं जी, लेकिन पता नहीं चलता है कि कहाँ जाती है वो। यहाँ से 100 कदम बाहर जाने के बाद ये जो जल है गोदावरी का, ये किसी भी नदी नाले के रूप में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, यहीं पे प्रकट और यहीं पे गुप्त, इसलिए सर इस धाम का नाम गुप्त गोदावरी नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे कितने सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारी भीड़ है और पर्वत भी बड़े कमाल के यहाँ चारों जी तरफ जी देख सकते हैं आप, आपके सामने मतलब कितनी प्रजातियाँ, जानवरों की बात करें हम और औषधियों की बात करें, फल के जो पेड़ हैं, कितने प्रकार की प्रजातियाँ इन सबकी होती होंगी? बहुत है, इनके तो कोई गिनती नहीं कर सकता सर। मतलब श्री राम भगवान जी जब आए तो वो इन्हीं फलों पर निर्भर रहे निर्भर रहे और अपने 14 वर्ष यहाँ पर व्यतीत किए। 11.5 वर्ष 11.5 वर्ष जी, 2.5 साल तो उन्होंने युद्ध किया जी। और कमाल है हमारे साथ यहाँ से पहाड़ का नजारा देखो। ये देखिए पहाड़ का नजारा, ये देखिए ये ऊपर है और इसके नीचे गुफा है। पुरुषोत्तम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, ऊपर बड़ा सा पहाड़ है, बड़ा सा गांव है और नीचे यहाँ पर गुफा है जिसमें सभी दूर 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 से देश भर से लोग आते हैं और आकर गुप्त गोदावरी के दर्शन करते हैं। तो हमारे साथ छोटू जी थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है गुप्त गोदावरी के बारे में। छोटू जी और कुछ नीचे है देखने के लिए, बताने के लिए? मुख्य दर्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्य दर्शन करते हैं और यहाँ पर देश भर से ऑडियंस आती है और तो छोटू जी जब अच्छी बारिश होती है तो पूरा ये धाम ही बंद हो जाता है या कुछ कुछ एंट्रियां होती हैं? नहीं बंद हो जाता है, अगर ज्यादा बारिश होगा, अभी अगर 1 घंटे बारिश हो जाए 1.5 घंटे अच्छा, अच्छा। तो फिर यहाँ का दर्शन बंद है सर। यहीं का बस नहीं पूरा तहस नहस हो जाता है सर। अच्छा, यहाँ का तो फिलहाल बंद ही हो जाएगा। ये अच्छा पंचमुखी पौराणिक शिव मूर्ति पशुपतिनाथ, अच्छा इनका फर्स्ट दर्शन नेपाल में, दूसरा यहाँ। अच्छा, पशुपतिनाथ जी का जो फेमस मंदिर है एक नेपाल में है, एक यहाँ पर इनका दर्शन आपको हर जगह नहीं। क्या बात है। तो यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। बाबा जी यहाँ स्थान के बारे में कुछ बताएंगे? बाबा जी बताएंगे, छोटू जी बता देंगे। चलिए छोटू जी, इनकी 5 आकृतियां सर अलग अलग है, जो मेन है सामने देखेंगे जिसमें बेंदी लगी है गौरी भाव, ये आदर्श रूप माता पार्वती जी का और आरा भोलेनाथ जी का, ये अर्धनागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, दूसरा विमल भाव। अच्छा, जब भोलेनाथ पूजा में विलीन रहते थे तो दोनों नेत्र इसमें बंद, इसलिए विमल भाव के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, तीसरा रुद्र रूप, जब राजा दक्ष प्रजापति का विध्वंस किए सती के वियोग में विकराल रूप धारण किए थे, तीनों नेत्र इसमें खुला हुआ है। चौथा जटाजूट भागीरथी, गंगा जी जटाओं से धारण दिए। और पांचवा सर ज्योतिर्लिंग, जो मेन प्रतिमा है भोलेनाथ जी की। और ये रही सेकंड गुफा। अच्छा, ये देखिए बंद है अभी। अच्छा, ये सेकंड गुफा जी, है जी। तो पानी की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से बंद जी, बंद है। गहराई भी इसकी बहुत
जी उस गुफा से ज्यादा होगी जी, जी। 200 मीटर 200 मीटर गहरी है, 200 मीटर लंबाई है जी। गहराई कितनी होगी? गहराई अगर अभी हम लोग जाएंगे तो कमर से आएगा जी। अभी तो कम हो गया, ये देख रहे हैं ये जितना ऊपर में लेपन लगा है यहाँ पे था सुबह में जब। ओ अच्छा यहाँ तक था। अब ये जब यहाँ हो जाएगा नॉर्मल अच्छा तब ये खुलेगी, जब नॉर्मल हो जाएगा तब खुलेगी। अच्छा पानी पानी ही जाना है, पानी पानी आना है, कोने में शंकर जी के दर्शन। अच्छा शंकर जी की प्रतिमा यहाँ पर एक और है जी। चलिए हम नीचे चलते और भाव को दिखाते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। ये इनकी पूजा आधी होती है। अच्छा इनकी परिक्रमा आधी होती है। ओहो इनकी पूरी परिक्रमा नहीं होती। अच्छा तो आगे बहुत महान मूर्ति है श्री। पानी देखिए कितना कमाल, जो गुप्त गोदावरी है, गोदावरी यहाँ से निकली है। इनकी छटा देखिएगा कितना कमाल का बहाव है, और यहाँ से निकल के छोटू जी ने हमें बताया कि लगभग 200 मीटर पर ही ये गुप्त हो जाती है, इस वजह से इनका नाम गुप्त गोदावरी है। छोटू जी और कुछ खास बताने वाले हैं आप? बस यही है सर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी। यहाँ को आपको बाढ़ का मैं पानी दिखा रहा हूँ, बाढ़ का पानी। यहाँ थोड़ा कैमरा यहाँ पर करिए, जब बाढ़ या पानी जब अच्छा पानी होता है बहता है तो कैसा यहाँ का नज़ारा होता है, हमारे छोटू से ये दिखाएंगे। ओ ये देखिए क्या अद्भुत है ये नज़ारा है, जब यहाँ से अच्छा पानी गुजरता है, यहाँ से बाढ़ होके निकलती है, पानी निकलता है गुप्त गोदावरी अपने रौद्र रूप में निकलती है, तब कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ कर होता है। और पुरुषोत्तम जी ने जो बताया था यहाँ से उद्गम स्थल ऊपर से है, वहाँ से निकल के नीचे आई है। यही क्या बात, ये नज़ारा है अद्भुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी। सब बंद हो जाते हैं सर, सब कुछ बंद हो जाता है, फिर क्या करेंगे, पूरा जलमग्न जलमग्न हो जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी पुनः आपका, और हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छोटू जी थे, पुरुषोत्तम जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया गुप्त गोदावरी जी के बारे में, सब कुछ हमें बताया है। और यहाँ पर बंदर भी है जो खेल कर रहे हैं, कितना शोर आपको सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर बंदर भी मन मस्त होकर श्री राम जी की इस पावन भूमि पर खेलते हैं, और सभी लोग भी श्रद्धालु आकर पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। तो आप सब देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।